साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस शांति प्रिया इन दिनों खूब सुर्खियों में है। खबर है कि शांति प्रिया बिग बॉस सीजन 14 में जाने वाली हैं। हालांकि बिग बॉस जाने के सवाल पर शांति प्रिया ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अगर बिग बॉस के घर की मेहमान बनने का उन्हें मौका मिला तो जरूर बनेंगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया के कई देशों में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत में भी फेयरनेस क्रीम को लेकर विवाद शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय जहाँ रंगभेद को लेकर दुनिया भर में तेज बहस जारी है, वहीं ऐसे में अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और नागार्जुन जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी बेहतरीन एक्ट्रेस शांति प्रिया ने रंगभेद पर अपना बुरा अनुभव हमारे रिपोर्टर संजय मिश्रा के साथ शेयर किया है। चाहे वो स्मिता पाटिल का जमाना हो, काजोल का जमाना हो, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, चित्रांगदा, हमारे पास बहुत गिन चुनकर सांवले रंग की हीरोइंस हैं हमारे पास। लेकिन हमारे भारत में, हमारे बॉलीवुड में जब भी कभी किसी हीरोइन का सांवला रंग हुआ तो उसको कई तरह के की आलोचना का शिकार सहना पड़ा। कई बार सेट पर कैमरामैन टोक देते थे, कई बार मेकअप दादा टोक देते थे, कई बार निर्देशक उनको फिल्म से निकाल देते थे जब उनका रंग सांवला होता था। सबकी अपनी अपनी बातें थी कि क्यों निकाल रहे हैं। आप अपने सांवले रंग की वजह से कितनी बार आलोचना का शिकार हुई हैं और क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? बहुत इमोशनल सवाल क्वेश्चन पूछा है आपने। ओके, ये जो मेकअप आप मुझे देख रहे हैं, ये बहुत बहुत मुझे फेस करना पड़ा। ये स्किन टोन, दिस इज माय स्किन टोन जो आप मुझे दे रहे हैं, ये दिस इज माय स्किन टोन, दिस इज माय मेकअप। इसके वजह से मैंने बहुत फेस किया है। साउथ में ऑफ कोर्स नहीं फेस किया नहीं थी, बट हिंदी में यस, मैंने बहुत फेस किया है। जब पहले पिक्चर में सौगंध में भी जब किया था मैं, तभी भी लोकेशन में 100-200 लोग रहते थे। उस टाइम कैमरा के मुझे बोलते थे कौन, किसने मेकअप किया इनको, तो फिर मैं बोलती थी मैं आई डिड माई ओन मेकअप, ओके कैन यू कम हियर। सब शूटिंग रुक जाते थे, मतलब 100-200 लोग, मतलब क्यों रुक गया, इतना चलते थे, अरे शूटिंग क्यों रुक गया। फिर मैं जाती थी उनके पास, फिर उन्होंने बोला नो दिस इज नॉट द मेकअप व्हाट यू हैव टू डू। सो फिर मैं उनको बोलती थी सर दिस इज द मेकअप आई ऑलवेज डू इन ऑल माय फिल्म्स, नो मैच नहीं हो रहा है, दोनों को मैच नहीं हो रहा है, बहुत डिफरेंस है, यू नीड टू डू समथिंग एल्स। देन फिर स्पॉट में जो मेकअप दादा रहते थे उनको बुला के बोलते थे नहीं ये करेक्शन करो, वो करेक्शन करो। फिर मैं बोलती थी ओके वेट मैं कर लूँगी अपने आप को। सो फिर मैं वापस दोबारा निकाल के फिर उनको दिखा के ये करेक्ट है क्या देखने के लिए, फिर वो देखते थे हाँ ओके ठीक है, बट ट्राई टू मेंटेन दिस सेम मेकअप एवरी टाइम, ओके फिर चेंज करके। यस ऑफ कोर्स मेरे कलर के वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम्स, या ये मैं बोल सकती हूँ इंडस्ट्री में मुझे कलर के वजह से दो चीजें हुए, कलर के वजह से और मेरा लैंग्वेज के वजह से बहुत तकलीफ हुआ था इंडस्ट्री, बहुत तकलीफ हुआ था और अभी भी होता है। और एक बात मुझे बताना है आप लोग को, सेम अक्षय कुमार जब सौगंध के बाद, सौगंध में तो वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन थे उस टाइम, सौगंध के बाद जब मैंने उनके साथ सेकेंड पिक्चर किए थे उन्होंने मेरा मॉडर्न कैरेक्टर था उसमें, शॉर्ट ड्रेस पहनना था, सो यूजुअली आई वेयर स्टॉकिंग्स, स्किन कलर का स्टॉकिंग्स होते हैं।
सो स्किन कलर का जब स्टॉकिंग्स होते थे तो उन्होंने लोकेशन में सबके सामने मुझे इतना इतना मस्ती उड़ा मस्ती किया था. इतना मस्ती मतलब इट वाज लाइक फनी. बहुत बहुत मुझे अनकंफर्टेबल फील हो गया था. बहुत अनकंफर्टेबल मैं फील हो गई थी क्योंकि उन्होंने मेरा नीज को जो पैर का जो नीज है स्टॉकिंग्स पहनने के बाद आई वाज हैविंग अ लिटिल ब्लैक टो ऑन माय नीज. सो उन्होंने मेरा कोस्टा बिकॉज वो क्लाइमैक्स चल रहे थे उधर पंकज धीर पृथ्वी मंजिता कंचना चांदनी सॉरी या चांदनी डड्डू जी मीन्स राजसुपी जी ये लोग सब थे. कैमरामैन सब लोग का स्पॉट दादा मेकअप मैन एवरीबडी मतलब शायद 100 लोग हैं उनके सामने अचानक उन्होंने ये किया. अरे शांति का पैर का ब्लड क्लॉट से बड़ा बड़ा ब्लड क्लॉट है. तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया ब्लड क्लॉट्स मेरा पैर में कहाँ से आ गया. नो फिर मैंने बोला कहाँ है मेरा ब्लड क्लॉट्स किधर ये नहीं है मुझे तो दिखता नहीं. नो नहीं नहीं सी योर नीज सी नीज देखो इतना बड़ा बड़ा ब्लड क्लॉट्स है. आई वाज लाइक व्हाट मतलब एक बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था. सो अनकंफर्टेबल भी नहीं है हाउ कैन यू स्किन के ऊपर और इतना पब्लिक के सामने यू कैन टॉक टू योर कलीग लाइक दैट और एनीबडी लाइक दैट. आई डोंट नो आई एम सॉरी आई वेंट थ्रू दैट क्रेजिज्म. यस आई वेंट थ्रू क्रेजिज्म. I'm sorry. You know, कितनी बार आपको किसी फिल्म से निकाला गया है इस वजह से आपके रंग के कारण सांवले रंग की वजह से आपको फिल्म से भी निकाला गया. मुझे एक ही पिक्चर में निकाला गया. दो पिक्चर्स में स्विम सूट नहीं पहनूंगी करके बोला उसके वजह से निकाला गया है और एक पिक्चर अजय देवगन के साथ कलर के वजह से निकाला गया है. सो नो शी इज लिटिल ऑन द डार्कर साइड. नो वी वांट अ फेयर गोल्ड. क्या आप उस फिल्म का नाम बता सकती हैं जिन फिल्मों से निकाला गया आपको फिल्म का नाम पता है? आपको जब फिल्म से ना कहते थे कि रंग की वजह से निकाल रहे हैं तो आपको क्या बोलकर मतलब सोफिस्टिकेटेड वे में मना करते थे कि इस फिल्म में निकालने के पहले क्या कहते थे? क्या सीधी सीधी बात कहते थे कि आपका कलर ठीक नहीं है हमारी हीरोइन का कलर गोरा होना चाहिए ऐसा कहते थे कि कुछ और कहते थे? You know, yeah, बहुत... स्विमिंग ड्रेस के भी वो लोग बोलते थे वी वांट बिकनी. सो आई वाज लाइक ओके फॉर वेयरिंग अ सिंगल थिंग बट आई वाज नॉट ओके फॉर वेयरिंग अ बिकनी अ टू पीस. सो देन नो सो नहीं सो यस ओके. जब अक्षय कुमार ने सेट पर आपके रंग को लेकर मजाक उड़ाया और बोला कि आपके ब्लड क्लॉट्स हैं आपके पैर में घुटने में क्योंकि वहां पे बहुत डार्क था तब आपने बोला नहीं कहा नहीं कि ये गलत है ऐसा मत करें या आपने कोई मतलब आपने ऐतराज नहीं जताया उस समय? नहीं उस टाइम में हम लोग बात नहीं करते थे इतना ओपन. अभी आजकल जमाने में जब लड़की लोग को देखती हूँ इतना बोल्डली आंसर करते हैं hats off to them. Like हमारे जमाने में तो हम लोग बात ही नहीं करते थे you know. So बोल दिया चुप होके and being a South Indian I don't know मैं हम लोग I don't know मैं बोला नहीं है मैं सिर्फ insult हो गई थी और मैं बहुत
डिप्रेशन में चले गए थी, मम्मी तो साथ में थी. सो मम्मी ने मुझे बोला था वर्क ऑन इट, सो इट्स ओके बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर. सो आई सेड यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड, अभी भी मैं बहुत प्राउड हूँ मेरा कलर की वजह से, बिकॉज सब लोग अभी सबको ये कलर चाहिए गोरापन से. सो आई एम लिटरली प्राउड. मैं इतने साल में अक्षय कुमार ने मुझे ये बोल दिया करके, मैंने ये क्रीम लगाओ, ये फेयर एंड मतलब ट्रीटमेंट करो, मैंने कुछ नहीं किया. मैं जैसा हूँ तब से अभी भी वैसे ही हूँ, और आई लव माई स्किन टोन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्किन टोन. यस शांति जी, यू नो हर दिन कहीं ना कहीं आप स्किन टोन के बारे में बात किया, तो उस जमाने में आई नो बिकॉज आई सॉ माय एल्डर सिस्टर बानु प्रिया आल्सो इन बॉलीवुड गोइंग थ्रू दिस.